के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुणा के बारे में। तो हमने शुरुआती कक्षाओं में जैसे गुणा करना सीख लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कुछ शंकाएं हैं कि गुणा के कौन कौन से तथ्य होते हैं, और भी कई बातें हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखो, जैसे आपको गुणा करनी है, 35 की गुणा 6 की 7 है, तो सबसे पहले हम इसको क्या बोलते हैं, जिससे हम गुणा कर रहे हैं वो हमारा गुणय होता है, और जिसके साथ गुणा कर रहे हैं वो गुणक बन जाता है। ऐसा नहीं है कि ये आप चेंज भी कर सकते हो, 6 की गुणा 35 से करोगे तो भी सेम आंसर आना है, और 35 की गुणा 6 के साथ करेंगे तो भी वही आंसर आता है। तो गुणे और गुणक चेंज हो सकते हैं, और जो इनकी गुणा करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो गुणनफल होता है। आपने कई विधियों से जोड़ के माध्यम से या इस तरह से पहाड़ों के माध्यम से टेबल का प्रयोग करते हुए आपने गुणा करना सीखा होगा। तो एक तो हम सीधा इसकी गुणा कर देते हैं, जैसे 6 की गुणा पहले 5 के साथ करते हैं तो 6 और 5 की गुणा 30, और 3 जो सीधा आएगा वो हम जोड़ देंगे, 6 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा, और 18 और 3 हुआ 21, तो इसका आंसर आ गया हमारा 210। उसके बाद देखो कि हमने ये किया कैसे। देखो, 35 की और हम 6 की गुणा कर रहे हैं, तो 35 के जो हमारा गुणे है उसके स्थानीय मान की बात करें तो 35 कैसे बनता है, 20 और 5। तो पहले हम 30 की गुणा 6 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 180, और फिर 30 की गुणा यहाँ पर 5 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 30। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा गुणनफल आ जाएगा। वही कि हमें यहाँ थोड़ा सा 35 के साथ 6 की गुणा हुई तो हम स्थानीय मान उसको स्कैन करके लिखने के बाद इस तरीके से ये गुणा की गई है, आप इस तरह से करते हैं। लेकिन जब हम दो अंकों वाली गुणा करते हैं, जैसे यहाँ पर मुझे 35 की गुणा 16 के साथ करनी है, यहाँ पे गुणा 35 है और गुणक 16 बन गया। आप एक तो इस तरीके से गुणा करते हैं जैसे आपने की, 35 की गुणा 6 के साथ की 210 आया, और फिर यहाँ पर आप क्रॉस लगाते हैं। तो हम यहाँ पर इस क्रॉस के बारे में भी बात करेंगे, कई लोग यहाँ पर शून्य भी लगा देते हैं और कई लोग यहाँ पर क्रॉस लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं अभी हम जानेंगे। फिर एक की साथ गुणा 5 के साथ करेंगे और एक की गुणा 3 के साथ, और फिर उनको जोड़ देंगे 0, 6 और 5। तो हमने देखो जो ये क्रॉस लगाया है ये गुणे के स्थानीय मान के लिए ही लगाया है। जैसे 35 कैसे आया था हमारा, 30 जमा 6 आया था, तो 30 की गुणा पहले 16 के साथ कर लो और फिर 5 की गुणा 16 के साथ कर लो। हम 16 को भी एक्सटेंड करके गुणा कर सकते हैं, तो यहाँ पर आया 480 और यहाँ पर आया 80, तो हमारा आंसर कितना आया, 560। अब देखो, जब हमने 35 की सबसे पहले हमने यहाँ पर जो गुणा की है, ये वाली गुणा, ये हमने 6 के साथ की है, और 6 के साथ गुणा करने पर गुणनफल हमें मिला है 210। उसके बाद जब हम यहाँ दिखा रहे हैं कि 35 की हमने 1 के साथ गुणा की है, तो यहाँ पर हमने 1 के साथ नहीं, क्योंकि 1 दहाई वाले स्थान पर है, तो 1 की भी हमने यहाँ पर 10 के साथ गुणा की है। कितने के साथ, 10 के साथ गुणा की है, तो हमारा क्या आता है यहाँ पर, 350। लेकिन हमने यहाँ क्रॉस लिया,
है, इसलिए कई लोग यहाँ पर जीरो भी लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने दहाई वाले अंक के साथ गुणा की है, तो मैंने 10 के साथ गुणा करने के लिए यहाँ पर या तो हम यहाँ शून्य लगाएंगे या फिर हमें क्रॉस लगाते हैं, तो ये 350 आ गया। फिर जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 500। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये क्रॉस का क्या मतलब है, इसको हम क्यों लगाते हैं, तो हमने देखा कि यहाँ हमें गुणे के स्थानीय मान के लिए हमें यहाँ पर क्रॉस या जीरो लगाते हैं। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बच्चों।